दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर बस स्टैंड है, सेंटर बस स्टैंड में हूँ। करीबन रात का 9 बज रहा है, काफ़ी सारा भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी सारा दर्शक है जो अलग अलग कर्नाटक में गांव को जा रहा है, अलग अलग गांव को जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से पूरा टीम को यहाँ बिठाया गया है, जो डॉक्टर का टीम है और कुछ दूसरा भी टीम है जो पूरा टेम्परेचर जो रहता है इंसान को टेम्परेचर चेक करके, एक एक को आई डी प्रूफ चेक करके भेजा जा रहा है। चले आए, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। ಪ್ರೊಸೀಜರೆಲ್ಲ ಬಡ ಬಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಹೇಳೋ ಪಟ್ಟ ಭಾಳ ಹತ್ತು ಕೂಡ 15 ನಿಮಿಷ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಹಸ್ರಿ ಬಸ್ ತರಿಸ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗೋರು ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರು ರೆಡಿ ಅದ ಈಗ ನಿಮಗೆ 3 ಬಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ 3 ಬಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂದು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ಗಳು ಬರಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪಟ್ಟ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಗ 7 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಬೇಕಂತ ಇವನ್ ರಾತ 9 ಬಜ ಗಯಾ ಅಭಿ ತಕ ಯಹಾಂ ಪೆ ನಾ ಕೋಯಿ ಹಮಾರ ಸಿಟಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಯಾ ನಾ ಕೋಯಿ ಎಂಪಿ ಆಯಾ ಆಪ್ ಆಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೋ ಜೋ ಅಭಿ ಅಪ್ನೆ ಜೋ ಬಸ್ ಕಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ಕೊ ಮೇರಾ ತರಫ್ ಸೆ ಔರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೆ ತರಫ್ ಸೆ ಭಿ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ मगर क्या प्रोसीजर भी है ना जी सर, प्रोसीजर के हिसाब से उन लोग चल रहा है जी, और एक बस में कम से कम 25 लोग तो चाहिए जी, और 4 लोगों के बारे में एक बस तो नहीं छोड़ सकता जी जरूर, और 25 कम से कम एक 60 लोग तो है अभी जी, 60 लोगों को ना तो 2-3 बस तो जाते हैं हमारे जी, अब बस का व्यवस्था करके और प्रोसीजर के तहसीलदार सिग्नेचर चाहिए जी, वो हिसाब से पूरा किए हमारा सरकार। अब कल से कितने बस कहाँ कहाँ और कर्नाटक स्टेट में जी सब तरफ बस छोड़ रहा है। अच्छा सर, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ कर्नाटक में छोड़ रहा है, आउट ऑफ स्टेट कब? नहीं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हम कैसा बोल सकते हैं, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है महाराष्ट्र की जी। अब महाराष्ट्र देखिए, मुंबई देखिए, क्या हालत है। नहीं, महाराष्ट्र छोड़ के आदर्श तेलंगाना हो? नहीं, उसके बारे में हमारा राज्य की जब डिसाइड देगा तो डिसाइड करेंगे हम कैसा क्या। अच्छा, हम बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का जो है ना MP MLA ना आंधे सब कार्यकर्ता हैं हमें भारतीय जनता पक्ष के जी, पार्टी का सभी लोग करके उनको व्यवस्था करके भेजने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं जी। कोई दिक्कत चलिए, अभी जो आज आपने आकर जो पब्लिक को इतना अच्छा कर दिया, इसी तरह हर रोज कोई आके ये करेगा या वही दिक्कत ना, हर रोज कितने लोग आते हैं बाहर से आते हैं क्या, यहाँ बीजापुर से बाहर जाने वाले लोगों को व्यवस्था करके भेज देते हैं, वही दिक्कत है। ओके, देखिए आपने सभी वीडियो देखा है, और जो विजय घोड़ा साहब आए थे आके सभी जो यहाँ पे पब्लिक रुका था उनके लिए बस का इंतजाम किया, हालांकि इस जगह पे हमारा सिटी MLA को आना चाहिए था, MP को आना चाहिए था, यहाँ तक विजय घोड़ा साहब फर्स्ट आए, आके उन्होंने बस का अरेंजमेंट करके दिए, पब्लिक को भी बोले कि बेंगलोर और हुबली जाने वाला जो भी पब्लिक है थोड़ा सा शांति से बैठे रहिए, अभी थोड़ी देर में बस छोड़ेगा। कैमरामैन तौफीक के साथ मैं सैफुद्दीन शेख, स्वराज एक्सप्रेस।